हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सबका एक बार फिर से एजुकेशन वाला चैनल में स्वागत है। आज हम लोग नए टॉपिक के साथ आए हैं जो कि समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। इससे पहले आप सभी का विशेष धन्यवाद कि यह चैनल 500 प्लस सब्सक्राइबर हो चुका है। अब इस टॉपिक पे आते हैं, उससे पहले कहते हैं कि कोई शोहरत और कोई सामा ना हो, जिस स्टूडेंट के अंदर कोई लक्ष्य ना हो। तो आज उसी लक्ष्य को हम लोग अपने अंदर लक्ष्य को भी रखेंगे। चलिए चलते हैं वीडियो में आगे। क्या है देखिए, आप लोग नाम से समझिएगा, बिहार पुलिस, ठीक है। सिलेबस प्लस स्ट्रेटजी दोनों पर हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत समय से सभी स्टूडेंट को इंतजार था इस बिहार पुलिस का, और इंतजार भी था और वैसा वो घड़ी भी आ चुका है। क्या है सो देखेंगे। सबसे पहले हम लोग तीन ग्रुप में बांटे हैं, ए बी सी। आप ए में अगर संतुष्ट है तो बी को देखें, बी से है तो सी में, तीनों से संतुष्ट है आपका रिजल्ट आएगा। अपने लाइफ का रिमोट आप अपने हाथ में लेंगे और उसके बाद अपना लाइफ खुद से दिएंगे। चलते हैं वीडियो में। देखिए क्या है टोटल पोस्ट, क्या है टोटल पोस्ट कितना है, देखिए 21,391 जो कि बहुत बड़ा पोस्ट है, ठीक है ना। टोटल पोस्ट में तो आपको कितना सीट चाहिए, मात्र एक सीट चाहिए, ठीक है। एक सीट लेना है, अपना लाइफ सेटल कर लेना है, ठीक है। तो टोटल पोस्ट समझ गए। डेट है 20/6/2023, स्टार्ट होने वाला है 20 तारीख से, ठीक है, और 20/7/2023 लास्ट डेट है, यानी एक मंथ हम लोग के पास टाइम है फॉर्म फिलअप करने का, ठीक है। एज है 18 से 25, यानी आपका मिनिमम 18 मैक्सिमम 25, इस बीच में आते हैं तो आप फॉर्म फिल अवश्य कीजिए। उसके बाद क्या है फी, फी कितना है 675 है। आप जनरल से हैं या UWS या अदर स्टेट से आते हैं तो 675 रुपया। अगर SC ST बिहार से हैं तो आपको मात्र 180 रुपया फीस रखा गया है। उसके बाद देखिए क्या है रिजल्ट, रिजल्ट जो है 5 गुना, इसको हम समझाएंगे। देखिए 5 गुना रिजल्ट क्या है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत कम आपको बताया गया होगा। 21,000 वैकेंसी है, 21,391 और रिजल्ट आएगा इसका 5 गुना आएगा, क्या लगभग 1,05,000 के समथिंग स्टूडेंट जाएंगे अगले चरण में, यानी फिजिकल के लिए, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन लेवल आएगा 10th लेवल का, ठीक है ना, ओनली 10th आएगा, 10th से 9th है, 8th से भी आ सकता है। क्वेश्चन लेवल बहुत हाई नहीं है, आप लोग CGL लेवल का तैयारी नहीं कर कीजिएगा, ठीक है, 10th लेवल का तैयारी कीजिएगा, आराम से एग्जाम निकल जाएगा। उसके बाद क्या है सैलरी, सैलरी वेतन देखिए कितना है, 21,100 से स्टार्ट होगा और 69,100 तक जाएगा, ठीक है। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, सिलेबस से संबंधित, एग्जाम से संबंधित हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ए से अगर संतुष्ट है, पूरा समझ गए, तो चलते हैं बी में, क्या रखे उसको देखते हैं। टोटल क्वेश्चन जो है कितना है 100, ठीक है। उसके बाद टाइम कितना है 120 मिनट, आपके पास 120 मिनट, यानी 2 आवर्स, यानी 2 घंटा टाइम आपके पास है। अब 2 घंटा बहुत अधिक नहीं होता है, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपके अंदर प्रेशर भी होता है, वही क्वेश्चन को अगर बाहर आप सॉल्व करेंगे तो अधिक क्वेश्चन सही कर ले जाएंगे, बट एग्जाम में प्रेशर होने के कारण सही क्वेश्चन भी हम लोग गलत कर देते हैं। तो खत्म कैसे होगा, दूर कैसे होगा, प्रेशर को झेलना कैसे है, इस पर हम लोग बात करेंगे आगे, क्यों कैसे सॉल्व किया जाए। उसके बाद है टोटल मार्क्स है 100 नंबर का, देखिए पूरा 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, ठीक है। उसका देखिए एग्जाम नेचर कैसा रहेगा, क्वालिफाई, ठीक है ना, इसका कट ऑफ तक आपको पहुंच जाना है, उसके बाद नो टेंशन, इस पर आपका रिटेन बनने वाला नहीं है। यदि 100 में 100 लाते हैं फिर भी उतना ही आपका अभिमान होगा जो कट ऑफ तक पहुंचे हैं, तो इस पर विशेष अधिक नंबर नहीं, कट ऑफ तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद हम लोग इसे निश्चिंत हो जाएंगे। उसके बाद क्या है लैंग्वेज, लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी दोनों रहेगा, ठीक है ना, जो स्टूडेंट इंग्लिश में है इंग्लिश में देंगे, हिंदी में है हिंदी में देंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद है पेपर, पेपर ऑफलाइन होगा ओमआर शीट पर, जैसे में 4 आप लोगों को पता होगा कि 4 मिलता है, बस एक को क्या करते हैं हम लोग रख देते हैं, ब्लैक या ब्लू पेन का आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या है निगेटिव मार्किंग, सबसे बड़ी बात है, देखिए अभी तक हम बहुत सारे वेबसाइट पर देखे हैं किसी में ऐसा नहीं कि निगेटिव मार्किंग रहेगा, नहीं, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है और आगे भी नहीं होने का चांस है, ठीक है। उसके बाद है क्या वन डे एग्जाम, ये क्या है आपका वन डे एग्जाम होगा, इसके बाद इस एग्जाम के बाद आप रिटेन से मुक्त हो जाएंगे, फिजिकल फिजिकल होगा, उसके बाद आप मेडिकल, मेडिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जॉब होगा, जॉब कीजिए, इंजॉय कीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उसके बाद चलते हैं सिलेबस क्या है, ये सबसे बड़ी बात है, सिलेबस यहाँ तक आपको समझ में आ जाए तो तीसरा नेचर में है, सिलेबस क्या है सो देखते हैं। देखिए सबसे पहले हिंदी,
ठीक है ना। उससे पहले भी देखिए तो दो सीट को देखिएगा तो करीब 70% कवर कर दे रहा है। क्या क्या है? जीके और जीएस, जिस स्टूडेंट 70% करीब कवर कर दे रहा है जीके और जीएस। जिसका इस पर कमांड होगा उसको बहुत अधिक मेहनत नहीं करना होगा, जिसका ना भी होगा उनका भी हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं सामान्य हिंदी पढ़ना है आपको, करीब 8 से 10 क्वेश्चन इसमें आएंगे। उसके बाद इंग्लिश, इंग्लिश ग्रामर क्या है इसमें भी 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे। बहुत आसान आसान सब 10th लेवल का क्वेश्चन होता है, आप लोग सभी कोई बना ले जाएंगे। उसके बाद है जीके, है जीके में है सामान्य अध्ययन में क्या पढ़ना है आपको, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, हिस्ट्री है, करंट अफेयर्स है, इस सब मिलाकर और सभी को बिहार से रिलेट करके पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, बिहार का एग्जाम है वर्ल्ड लेवल का इकोनॉमी, वर्ल्ड लेवल का ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो भी पढ़ना है, लेकिन बिहार से रिलेटेड अधिक ध्यान देना है और पढ़ना है, ये आप लोग चलाकी कीजिएगा। उसके बाद जीएस सामान्य विज्ञान है, इसमें 30 से 33 क्वेश्चन आएंगे करीब करीब, जिसमें से आपको क्या पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजी में पढ़ना है जूलॉजी, बॉटनी, तो इस सब पर विशेष ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है मैथ में कितना है, 7 से 10 नंबर है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। 6, 7, 8, 9 से मिलाकर 10th में आकर इस सबसे क्वेश्चन आता है, आप लोग आराम से बना ले जाएंगे। आई होप कि आप लोग यहां तक समझे होंगे। इससे आगे हम लोग बात करने वाले हैं कटऑफ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या होता है। देखिए कटऑफ करीब 75 to 85 तक जाएगा लगभग लगभग, क्योंकि वैकेंसी भी अधिक है तो कट ऑफ समथिंग इतना लगभग रह सकता है, तो आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहे। उसके बाद क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना पूछा गया है पीछे सभी क्वेश्चन को बनाना है, सेट प्रैक्टिस भी करना है ताकि आपका एग्जाम में प्रेशर आपके ऊपर न हावी हो। अब एक चीज आपको बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप लोग सुनिएगा। देखिए क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रयास कीजिएगा बनाने का सोने से 1 घंटा पहले। आप लोग अभी से एग्जाम तक फॉलो कीजिए, रिजल्ट आपका 100% होगा, इसका गारंटी हम लेते हैं कि 1 घंटा पहले बनाने का प्रयास कीजिएगा। आई होप कि आपको ये सारे चीजें समझ में आए होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे फिजिकल वाला, जिस पर हम लोग का रिटर्न बनेगा। ये तो क्वालिफाइड पेपर है, इसमें सभी को पास करना है, रिटर्न वाले पर फिजिकल पर लाएंगे, वो कैसा आएगा उसमें बहुत आसान से आप लोगों को समझाया जाएगा। आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। जय हिंद।